हाँ भाई, क्लास नंबर 88 है, प्रीपोजिशन की क्लास है। मैं जैसे फिर आपसे एक बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट करना टाइम एंड अगेन इडियम है एक। टाइम एंड अगेन का मतलब बार बार, फ्रिक्वेंटली मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि प्रीपोजिशन बहुत वाइड हैं, बहुत ब्रॉड हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स चल रहे हैं जैसे हमारे, तो आज एक वर्ड है अबाउंड, ABOUND, अबाउंड। अबाउंड वर्ड है, इसके साथ इन आता है। अगर कोई किसी कोई क्षेत्र या कोई चीज में बहुत वो एरिया समृद्ध है, उस एरिया में वो चीज पाई जाती है। जैसे यूपी के अंदर भाई शुगर के लिए बहुत फेमस है, फेमस तो फोर आता है, लेकिन कोई भी एरिया किसी पर्टिकुलर चीज के लिए यदि वहां पर विशेष पाई जाती है तो वो अबाउंड इन आता है। अबाउंड का मतलब भरा होना, अबाउंड का मतलब भरा होना। जैसे ऐसे लिखा हुआ बुक में आप देखेंगे, यूपी अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज। किसी यानी कि यहां पर जो वाटर रिसोर्सेज हैं काफी हैं, किसी भी, चाहे कोई मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं, कोई जहाँ चीनी बहुत ज़्यादा मिलती है, मतलब कोई भी चीज़, पर्टिकुलर कोई भी चीज़ आप ले लें तो उसको अबाउंड इन आता है। एक होता है अबाउंड ही वर्ड है, लेकिन यहाँ विद आ जाता है। ये आता है फिल्ड विद की सेंस में, फिल्ड विद भरा होना, फुल ऑफ। अब भरा होना तो ये भी है तो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में समृद्ध होना, यहाँ पर है भरा होना। जैसे फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज अबाउंड, इज अबाउंड विद स्ट्रीम्स, धाराओं से, पानी की धाराओं। अब दोनों में एक चेंज आपने देखा, ये तो एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं, देखो यहां पर अबाउंड्स, यहां पे इसके साथ हम इज एम आर यूज कर रहे हैं। तो बस यही डिफरेंस है, जब वहां पर इज एम आर आ जाए तो ऐप लगा देना विद, क्लियर। और दोनों में डिफरेंस यह है, किसी पर्टिकुलर चीज में समृद्ध होना तो अबाउंड इन, लेकिन किसी चीज से भरे होना तो वहां पर आता है फिल्ड विद, फुल ऑफ, ये सब अबाउंड में। लेकिन इससे पहले इज एम आर वाजवर आपको मिल जाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो सबसे बड़ा डिफरेंस, अगर अबाउंड है वर्ब के रूप में तो वहां इन लगा देना, अबाउंड से पहले इज एम आर वाज वर्ब कोई हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो विद लगा दें। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, दोनों का मीनिंग सेम है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। एक किसी एरिया को समृद्ध होने के लिए, जैसे कोई चीज़ है हम खाते हैं पीते हैं, खाने में रिच इन कोई चीज़ है, उसके अंदर भाई बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं तो रिच इन। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक वर्ड है एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब के संग आता है इन, और इसका एक वर्ड और है एनग्रोस। दोनों सिनोनिम्स में भी आप पढ़ेंगे, इसका मतलब होता है किसी काम में लिप्त हो जाना, डूब जाना, किसी काम में लिप्त हो जाना, डूब जाना। जैसे हम कहें भाई राम तो अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से क्या हो चुका है, खो चुका है, तो राम इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन हिज स्टडी, इन ही आएगा। मैं सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, एब्जॉर्ब और एनग्रोस का मतलब होता है किसी काम में बिल्कुल लीन हो जाना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड एब्जोल्व, ABSOLV, एब्जोल्व के संग आता है फ्रॉम, इसका मतलब है किसी चीज से मुक्त होना, जैसे किसी क्राइम से, किसी चार्ज से, किसी अपराध से, किसी चीज से, ड्यूटी से, आप किसी कर्तव्य से, प्रॉमिस से मुक्त हो रहे हैं, ठीक, किसी अपराध से, तो जिस चीज से भी आप मुक्त हो रहे हैं तो एब्जॉल्व फ्रॉम, ठीक। जैसे कोर्ट ने मोहन को क्राइम से मुक्त कर दिया, द कोर्ट हैज एब्जॉल्व्ड मोहन फ्रॉम द क्राइम। तो आपको तो पूरा यूज भी समझना नहीं है,
एक माइंड में रखना है कि एब्जॉल्व जहाँ भी मिलेगा फ्रॉम, मैं फिर कह रहा हूँ ये वाइड है, ब्रॉड है, इसको करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक। तो एब्जॉल्व फ्रॉम, ये वाला वर्ड भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। नेक्स्ट वर्ड देखें, एक्सीड, ACCED, एक्सीड के साथ टू आता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, गिव कंसेंट, किसी चीज़ को स्वीकार करना, किसी चीज़ में अपनी सहमति देना, कंसेंट देना। अब होता क्या है, जैसे सपोज़ कीजिए आपने अपने पापा से कोई रिक्वेस्ट की, वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फादर एक्सीडेड, सेकेंड फॉर्म आ सकती है एक्सीडेड टू योर रिक्वेस्ट। राम ने मोहन से प्रार्थना की, राम रिक्वेस्टेड मोहन, ठीक है, मोहन ने वो स्वीकार कर ली प्रार्थना, तो मोहन एक्सीडेड, एक्सेप्टेड भी आ सकता है, लेकिन एक्सेप्टेड के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती है। तो एक्सीडेड के बाद कोई रिक्वेस्ट है, कोई प्रपोजल है, उसके लिए आप कह सकते हैं। एक वर्ड है एक्सेस, ACCESS, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, रीच, इसके बाद भी टू आता है, एक्सेस टू, जैसे पासवर्ड मांगते हैं एक्सेस टू करने के लिए, जहां जाने के लिए एक्सेस टू, ठीक। भैया मेरी तो पीएम तक कोई अप्रोच नहीं है, अप्रोच के लिए भी आता है रीच या अप्रोच, सिफारिश के लिए भी आता है, आई हैव नो एक्सेस टू पीएम, आई हैव नो एक्सेस टू पीएम सीएम, ठीक, इस तरीके से कह सकते हैं। तो ये वाला वर्ड भी अपने आप में सही है। यू नीड पासवर्ड टू एक्सेस टू दिस साइट, तो इस तरीके से आप ध्यान। अप्रूव, APPROV, अप्रूव के साथ ऑफ आता है, इसका मतलब भी वही है, स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, जो एक्सीड था उसी तरीके से आता है। जैसे फादर अप्रूव्ड, अप्रूव्ड स्वीकृत करना, डैश माई रिक्वेस्ट या माई प्रपोजल, तो क्या आना चाहिए, ऑफ, अप्रूव करना, क्लियर। तो यहां पर अप्रूव का मतलब किसी चीज को स्वीकार करना है। फिर एक बार नेक्स्ट, एसेंट, अभी मैंने गिव कंसेंट बताया था, एक एसेंट भी होता है, एसेंट टू, ये भी यही है स्वीकार करना, ठीक है, ये भी है स्वीकार करना। जैसे प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट गेव एसेंट टू दिस बिल, किसी बिल को अपनी सहमति दी, तो एसेंट टू। तो मैंने ये वर्ड आपको दिए हैं, ये लगभग आपके, अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो एक अबाउंड वर्ड किया, अबाउंड के संग इन बताया, इन आएगा जब वो वर्ब के फॉर्म में होगा, अबाउंड विद जाएगा जब वो किसी नाउन के फॉर्म में होगा, उससे पहले इज एम आर वाजवर होंगे, ठीक, सॉरी एडजेक्टिव की फॉर्म में होगा, इससे पहले इज एम आर वाजवर होंगे। एक होता है एब्जॉर्व, एब्जॉर्व का मतलब किसी काम में लीन होना, एनग्रॉस, इन आएगा, एब्जॉल्व किसी क्राइम, किसी चार्ज, ठीक, किसी भी आरोप से मुक्ति मिल रही है, किसी ड्यूटी से मुक्ति मिल रही है, एब्जॉल्व फ्रॉम, एक्सीड टू स्वीकार करना, एक्सेस टू पहुंच आता है, और अप्रूव को, अप्रूव ऑफ का मतलब भी स्वीकार करना है, एसेंट टू का मतलब सहमति देना। इन वर्ड्स को एक बार फिर पढ़ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। चलो ठीक है।